आखिर किस कारण से हनुमान जी का शरीर पत्थर का हो गया था। राम सेतु निर्माण के समय सभी वानर आपस में बात करते हैं कि इतने बड़े समुद्र में छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े पत्थर होने चाहिए थे जिससे सेतु का निर्माण जल्दी हो जाए। हनुमान जी इस बात को सुनते ही एक विशाल पर्वत लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है और उसे देख वह वहां रुक जाते हैं और जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका आधा शरीर पत्थर का हो जाता है। गोवर्धन गुस्से में हनुमान जी से कहते हैं कि तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की। तब हनुमान जी विनम्रता से हाथ जोड़कर गोवर्धन पर्वत से कहते हैं, अगर मैं चाहता तो तुम्हें एक ही झटके में उखाड़ देता, परंतु मैं प्रभु श्री राम के सेतु निर्माण के कार्य के लिए तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। श्री राम का नाम सुनते ही गोवर्धन पर्वत ने आज्ञा दे दी। तो जैसे ही हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर ले जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि सेतु निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है। तो बीच रास्ते में ही हनुमान जी गोवर्धन को रख देते हैं और पूरी बात बताते हुए माफी मांगते हैं। तब गोवर्धन कहते हैं कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मुझे यह वचन दो कि प्रभु श्री राम एक बार ही सही परंतु मुझे स्पर्श जरूर करेंगे। हनुमान जी यह वचन दे देते हैं। तो इसीलिए प्रभु श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था।